हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वह है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, व्यावसायिक नियमन रूपरेखा, ठीक है, जिसको VRF भी कहा जाता है। और इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है प्रस्ताव तथा स्वीकृति, अर्थात प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो प्रस्ताव और स्वीकृति जानने से पहले, जो भी हमारे चैनल पर देख रहे हैं और इसके पीछे का लेक्चर जानना चाहते हैं तो वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे चले जाएं, वहाँ पे उसका लिंक दिया है, वहाँ से भी आप लोग दे सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रस्ताव तथा स्वीकृति। सबसे पहले हम प्रस्ताव के बारे में जानेंगे। प्रस्ताव क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। प्रस्ताव का जो उल्लेख है यह भारतीय अनुबंध अधिनियम, कहां पर दिया गया है? भारतीय अनुबंध अधिनियम, अनुबंध अधिनियम, भारतीय अनुबंध अधिनियम कौन सा है? 1875 की। इसमें एक धारा है और वो धारा दिया गया है 2क के अंतर्गत, 2 एंड उपधारा क के अंतर्गत। कहा गया है कि प्रस्ताव क्या है, समझिएगा, मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं। जैसे ए एक पर्सन है और बी इधर एक पर्सन है। जब ए कोई भी अमुख बात या उससे रिलेटेड कोई कार्य बी के सम्मुख रखता है, जब कोई ए माने कोई भी व्यक्ति, जैसे कि ए कोई भी बात या कोई अमुख बात या कोई भी कार्य बी के सम्मुख रखता है कि भाई मेरा ये काम है ये आप कर देंगे, या मेरा ये काम है इतने रुपये के बदले आप कर दीजिए या इतने समय में कर दीजिए, तो इसे क्या कहा जाता है? प्रस्ताव कहा जाता है। प्रस्ताव में दो व्यक्तियों का होना जरूरी है, क्योंकि यह जब तक इसके सम्मुख कोई बात नहीं रखेगा तब तक वह प्रस्ताव नहीं बनेगा। जैसे कि मैं आपके सम्मुख कोई प्रपोजल रखूं, कोई बात कहूं, यह प्रस्ताव कहलाता है। लेकिन प्रस्ताव के लिए जरूरी है अगला व्यक्ति उस बात को ध्यान से सुने। और जो ये बी व्यक्ति होता है यह क्या होता है, अब इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस प्रस्ताव को स्वीकार करे या ना करे। तो यह क्या कहलाता है? स्वीकार करता। और जो ये बात स्वीकार किया इसको क्या बोला जाता है? स्वीकृति बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्वीकृति बोला जाता है। इधर से मार रहा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो ए पर्सन है, जो ई पर्सन है वो क्या कहलाता है? इसको कहा जाता है प्रस्तावक। क्या कहा जाता है? प्रस्तावक। इसका एक और भी नाम होता है वचनदाता। एक और नाम क्या होता है? वचनदाता। और इधर वाला जो व्यक्ति है जो उस बात को स्वीकार करता है इसको क्या कहा जाता है? स्वीकारकर्ता कहा जाता है। इसका एक और नाम है, उसको कहा जाता है वचनग्रहीता, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति या पर्सन या ए किसी के सम्मुख अपनी बातों को प्रकट करता है, स्पष्ट करता है, रखता है, तो वह प्रस्ताव कहलाता है। ऐसा जो व्यक्ति कार्य करता है उसे प्रस्तावक या वचनदाता कहा जाता है। और जिसके सम्मुख प्रस्ताव रखा जाता है वह उसे वचनग्रहीता या स्वीकारकर्ता कहा जाता है। अब एक चीज और भी है कि प्रस्ताव की कुछ विशेषता होती है। प्रस्ताव की विशेषता, विशेषता को एक और नाम दिया जाता है लक्षण। प्रस्ताव की कुछ विशेषताएं होती है। पहली विशेषता क्या होती है? प्रस्ताव के लिए दो पक्षों का होना जरूरी है।
प्रस्ताव के लिए दो पक्षों का होना जरूरी क्या है? जरूरी है। जब तक दो पक्ष नहीं होंगे, मतलब एक बात को कहने वाला, दूसरे बात को सुनने वाला, एक अपने विचारों को अगले के सम्मुख व्यक्त करने वाला, कोई कार्य उसको सौंपने वाला और दूसरा उसको स्वीकार करने वाला, तब तक प्रस्ताव नहीं होता। इसलिए प्रस्ताव के लिए दो पक्षों का होना जरूरी है। दूसरी चीज, प्रस्ताव में केवल यह नहीं कि मैंने कहानी सुना दिया और आप सुन लिया, ये प्रस्ताव नहीं है। प्रस्ताव में जरूरी है किसी भी टाइप का कार्य, किसी भी टाइप का कार्य करने या उसके न करने के विषय में इच्छा प्रकट करना, किसी कार्य को करने या न करने की इच्छा प्रकट करना, इच्छा प्रकट करना। मैंने प्रस्ताव के लिए यह जरूरी है कि उसमें किसी कार्य को करने के लिए अपनी इच्छा जाहिर करना कि भाई आप कर देंगे कि नहीं कर देंगे, करेंगे तो कितने समय में करेंगे, किस मूल्य में करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो भी बता दीजिए भाई नहीं करेंगे। तो प्रस्ताव के लिए जरूरी है कि इसमें किसी कार्य को करने के लिए इच्छा अपनी व्यक्त करना और उसको इच्छा को प्रकट करना, उससे परिणाम हमें जानना कि वो क्या कह रहा है, क्या चाह रहा है। मान लीजिए कि केवल मैं प्रवचन देता जाऊं आप सुनते जाएं तो भी कोई बात नहीं बनी। इसलिए प्रस्ताव के लिए जरूरी है कि दोनों पक्ष तैयार हों, एक प्रस्ताव को कहे, अगला दूसरा उस पर अपनी इच्छा जाहिर करे। लेकिन उसके लिए भी जरूरी है कि उसमें कोई निश्चित कार्य के संबंध में, कार्य करने या न करने के संबंध में बात कही गई। तीसरा, प्रस्ताव में एक चीज और भी है कि जो दूसरा व्यक्ति है उसकी सहमति का भी होना आवश्यक है। इसमें दूसरे व्यक्ति की सहमति का होना आवश्यक। मतलब कभी मैंने बताया कि प्रस्ताव के लिए जरूरी है कि जब एक कोई व्यक्ति प्रपोजल रख रहा है कि भाई आपको ये काम कर देना, ठीक है, जैसे मैंने कहा आपसे कि भाई आप मार्केट जा रहे हैं, मेरे लिए एक बुक लेते आइएगा और 500 ले लीजिए। आपने कहा ठीक है मैं लेते आऊंगा, 500 नहीं हमको 600 ले लीजिए। क्यों? इसलिए कि हम आएंगे जाएंगे तो मेरा कुछ खर्च भी होगा। ये क्या है? एक तरह का प्रपोजल है और वो प्रपोजल को अगला स्वेच्छापूर्वक सहमति व्यक्त कर रहा है कि ठीक है मैंने स्वीकार कर लिया। ऐसा भी हो सकता है वो कहता है ना ना मैं नहीं करूँगा, तो ये भी प्रस्ताव है और वो भी उसको स्वीकार किया। अब यही है कि पॉजिटिव व्यू में स्वीकार न करके निगेटिव व्यू में स्वीकार किया। तो प्रस्ताव किसी भी तरीके से हो सकता है, स्वीकारकर्ता भी कैसे भी स्वीकार कर सकता। तो ये तो था प्रस्ताव और प्रस्ताव के लक्षण। अब इसमें सबसे बड़ा जरूरी ये है, प्रस्ताव के संबंध में कुछ वैधानिक नियम है, इसको मैं मिटा रहा हूं। प्रस्ताव के संबंध में वैधानिक नियम समझिए। एक प्रस्ताव को प्रस्ताव तब माना जाएगा जब भारतीय अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत, जो भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 है, उसके अंतर्गत कुछ उसकी शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस हैं, कुछ उसके वैधानिक नियम हैं। यदि उस वैधानिक नियमों का पालन किया जा रहा है तो उसको प्रस्ताव माना जाएगा। ऐसे प्रस्ताव के जो वैधानिक नियम बनाए गए हैं, अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए हैं और जो न्यायालय के निर्णय है उनके आधार पर ये कुछ नियम बनाए गए हैं। तो वो नियम कौन कौन से हैं ये आप जानेंगे। सबसे पहला नियम,
प्रस्ताव की जो शर्तें होती हैं वो निश्चित होनी चाहिए। प्रस्ताव की जो शर्तें हैं, शर्तें निश्चित होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। जो प्रस्ताव की शर्तें हैं वो निश्चित होनी चाहिए। निश्चित का मतलब है कि जो भी हम प्रपोजल किसी के सम्मुख रख रहे हैं तो उसमें जो कंडीशंस हैं वो कंडीशन फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम प्रस्ताव रख रहे हैं और अगला केवल उसको मानने के लिए तैयार हो जाए, उसके बाद अपनी कंडीशन बदल दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रस्ताव की शर्तें फिक्स है, अपनी बात पर अड़िग होना चाहिए। जबान से जब एक बार कह दिया गया तो वही होना चाहिए। दूसरा, प्रस्ताव निवेदन के रूप में होना चाहिए। दूसरा इसकी शर्त है कि जो हमारा प्रस्ताव है, प्रस्ताव निवेदन के रूप में, निवेदन के रूप में होना चाहिए। निवेदन के रूप में होना चाहिए का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे प्रपोजल्स हैं वो रिक्वेस्ट पूर्वक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने धमकी देके आपको कागना है ये मानना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रस्ताव विनम्रता पूर्वक होना चाहिए, रिक्वेस्ट पूर्वक होना चाहिए। भाई जब आप किसी से काम करा रहे हैं तो भाई रिक्वेस्ट पूर्वक ना कराएंगे। आप किसी को टाइट हो गए खूब अपना मोशन में बोलेंगे भाई तो अगला काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। करने का भी मूड होगा तो करेगा, नहीं करेगा। तो प्रस्ताव कैसा होना चाहिए? रिक्वेस्ट पूर्वक होना चाहिए, निवेदन पूर्वक होना चाहिए। तीसरा है, प्रस्ताव का उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करना होना चाहिए। प्रस्ताव का उद्देश्य, जो उद्देश्य है, वैधानिक संबंध स्थापित करने वाला होना चाहिए। अब यहां पे क्या है, जो प्रस्ताव का उद्देश्य है वैधानिक संबंध स्थापित करने वाला होना चाहिए। मतलब प्रस्ताव इस उद्देश्य से किया जाता है कि अगले से हम जो कानूनी तौर पर एक रूल के हिसाब से, एक रूल नियम के हिसाब से हमारे और उससे संबंध कुछ जुड़ जाए, और जुड़ जाएगा तो उसमें मेरा भी बेनिफिट है और अगले का भी बेनिफिट है। भाई मैं कोई प्रपोजल रखा कुछ कार्य करने के लिए, अगला उसको बात को मान लिया तो भाई उसको भी कुछ इकोनॉमिकल बेनिफिट्स हो जाएंगे और हमारा भी वर्क हो जाएगा। ऐसे संबंध बने रहेंगे तो हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा। तो ये कुछ लीगल जो रिलेशन है ऐसा होना चाहिए। अगला है, जो प्रस्ताव जो है विशिष्ट और सामान्य हो सकता है। अगला है, प्रस्ताव विशिष्ट व सामान्य हो सकता है, हो सकता। जो हमारा प्रपोजल है वो किसी स्पेशल वर्क के लिए भी हो सकता है, कुछ विशेष कार्यों के लिए भी हो सकता है, और कुछ एक नॉर्म जनरल या नॉर्मल कार्यों के लिए भी हो सकता है। एक नहीं, एक कोई जरूरी नहीं है कि प्रस्ताव हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट वर्क के लिए होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम प्रस्ताव किसी भी टाइप का वर्क के लिए अगले से कर सकते हैं। वो अगले के ऊपर डिपेंड करता है वो माने या ना माने। यदि वो प्रपोजल हमारा, कुछ प्रपोजल ऐसे भी उसमें होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो सबसे नहीं, जब जो सबके सामने प्रस्ताव नहीं रखे जाते, कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के सम्मुख ऐसे प्रस्ताव रखे जाते। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं रखते हैं, वो किसी के सम्मुख भी रख सकते हैं उस बात को। तो विशिष्ट और सामान्य दोनों ही कंडीशन में होने चाहिए। इसमें ये केस भी दिया गया है, कार्लिन बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी, इसका इस संबंध में एक विवाद भी है। आगे बढ़ते हैं, प्रस्ताव की संसूचना होना आवश्यक है। प्रस्ताव की संसूचना होना आवश्यक आवश्यक प्रस्ताव की संसूचना होना आवश्यक है का मतलब क्या है? प्रस्ताव इस ढंग से किया जाए कि अगले को भी जानकारी हो। ऐसा नहीं हम चिल्लाते रहे अगला सुने ही नहीं। भाई उसको इन्फॉर्म करके, जब सामने रहे या तो सामने रहे, और नहीं तो कहीं दूरे दराज रहे तो फोन से बात करे, कैसे भी, मतलब इस हिसाब से प्रपोजल रखना चाहिए कि अगला उसको सुने, बात को समझे, मतलब उसको किसी भी तरीके से उसके पास जानकारी पहुंचे कि अगले ने कुछ कहा है। ऐसा नहीं है कि भाई अगला कितना भी चिल्ला के कहा हो, वो दूसरा वाला व्यक्ति सुना ही नहीं,
तो प्रस्ताव नहीं है, प्रस्ताव संसूचना पूर्वक होना चाहिए। नेक्स्ट है, इसमें एक केस दिया गया है लालमन सुखराम प्लाट गौरी दत्त के संबंध में, इसको आप पढ़ लीजिएगा। प्रस्ताव अभिव्यक्त तथा गर्भित दोनों हो सकता है, प्रस्ताव अभिव्यक्त तथा गर्भित दोनों हो सकता है, हो सकता है। कुछ प्रपोजल ऐसे होते हैं जिन्हें हम शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं, शब्दों में बयां कर सकते हैं, हम अपनी बातों से अगले को संतुष्ट कर सकते हैं, कह सकते हैं, तो ये स्पष्ट हो गया। कुछ ऐसे भी होते हैं प्रस्ताव प्रपोजल जो हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, केवल इशारे इशारों में, संकेतों में, ठीक ना, मौखिक रूप से या अपने हाव भाव से उसके सम्मुख रखते हैं। इस तरह प्रस्ताव अभिव्यक्त के रूप में भी हो सकता है, मुंह से कह के भी हो सकता है, और ऐसे भी नॉर्मल तरीके से भी हो सकता है। अर्थात ऐसा प्रस्ताव जो आचरण के द्वारा अपने व्यवहार किया जाए उसे गर्भित प्रस्ताव कहा जाता है, और ऐसे प्रस्ताव जो लिखित या मौखिक रूप से अभिव्यक्त करके किसी दूसरे के सम्मुख रखा जाता है तो उसे अभिव्यक्त प्रस्ताव कहा जाता है। तो इस तरह तथा ये प्रस्ताव के संबंध में वैधानिक कुछ नियम, ठीक है। और भी एक दो पॉइंट है प्रस्ताव के संबंध में, कि अगला है कि एक बार अस्वीकृत प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत किए बिना स्वीकार नहीं किया जा सकता। एक बार अस्वीकृत प्रस्ताव पुनः क्या किए बिना, प्रस्तुत किए बिना, प्रस्तुत किए बिना स्वीकार नहीं किया जा सकता, स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या है, कोई भी प्रपोजल जैसे ए ने बी के सम्मुख रखा और बी उसको रिजेक्ट कर दिया, क्या ना ना हम नहीं मानेंगे, तो प्रस्ताव हमारा अस्वीकृत हो गया। लेकिन पुनः उसे लगता है कि एक बार और अपने प्रपोजल को, मतलब मैंने उसके प्रपोजल को स्वीकार करें, तो स्वीकार नहीं कर सकता। वो तब तक स्वीकार नहीं कर सकता कि अगला पुनः उसके लिए प्रस्तुत न किया गया, प्रपोजल दोबारा न रखा। जैसे एक बार अस्वीकार किया प्रस्ताव, पुनः यदि वो प्रस्तावित किया जाता है, प्रस्ताव रखा जाता है, तभी वह स्वीकार कर सकता है, अन्यथा स्वीकार नहीं कर सकता। अगला है कि प्रस्ताव की स्वीकृति और प्रस्ताव का अंत खंडन होने से पहले होना चाहिए, प्रस्ताव की स्वीकृति व प्रस्ताव का अंत खंडन होने से पहले होना चाहिए, पहले होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, कोई भी हम प्रस्ताव रखें उसका जो स्वीकृति है, जैसे मैंने ए ने बी के सम्मुख कोई प्रपोजल रखा और उसने स्वीकार कर लिया या अस्वीकार कर लिया, कुछ भी हो सकता है, मतलब जब तक वह प्रस्ताव और स्वीकृति का अंत नहीं हो जाता, ठीक ना, कोई भी प्रस्ताव या स्वीकृति तभी पूर्ण मानी जाती है जब उस पर यस या नो का रिप्लाई हो। लेकिन ये होता है खंडन, कि प्रस्ताव रखा गया लेकिन बाद में उसको तोड़ दिया गया, तो प्रस्ताव का स्वीकृति और प्रस्ताव का अंत जो है उसका खंडन होने से पहले ही क्लियर होना चाहिए कि प्रस्ताव रखा गया है कि नहीं रखा गया, रखा गया है तो उसने स्वीकार किया है या नहीं किया है। खंडन होने के बाद प्रस्ताव और स्वीकृति नहीं होती है, प्रस्ताव स्वीकृति हमेशा खंडन होने से पहले होती है। अगला, प्रस्ताव व स्वीकृति में निश्चित प्रतिफल होना चाहिए, निश्चित प्रतिफल
होना चाहिए। प्रस्ताव की प्रस्ताव और स्वीकृति में एक निश्चित प्रतिफल का मतलब क्या है? मैंने कोई भी कार्य के लिए आपको मैंने आपसे कुछ बातें कही और किस संदर्भ में किसी कार्य को करने के संदर्भ में, ये तो प्रस्ताव हो गया। अब आप स्वीकार करें या ना स्वीकार करें वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन हमारे और दोनों लोगों के बीच में जो बीच में कार्य है उस कार्य के बदले में एक निश्चित प्रतिफल होना चाहिए। मैं कोई कार्य आपको सौंप रहा हूं आप क्यों करेंगे? मैं तो आपको जानता नहीं हूं ना आप मुझको जानते हैं, फिर भी मेरा कार्य क्यों करेंगे? जब तक कोई बेनिफिट नहीं आपको नहीं होगा, कोई निश्चित प्रतिफल नहीं मिलेगा, तब तक उस कार्य को आप नहीं करेंगे। इसलिए प्रस्ताव और स्वीकृति के बीच में जो कार्य होती है उस पर हाँ और नहीं करने की जहां तक बात आती है वो प्रतिफल का होना आवश्यक है, क्योंकि बिना प्रतिफल का कोई भी प्रस्ताव पूर्ण नहीं होता और न ही उस पर स्वीकृति। वो व्यवहारिक जीवन में भले हो जाता है कि मैंने कहा आपसे कि मेरा ये काम कर दीजिएगा, आपने कर दिया, ये तो व्यवहारिक, लेकिन एक बिजनेस से संबंध में जब भी कोई प्रपोजल लगता है और जब भी वो स्वीकृत करता है तो उस कार्य करने के बदले में एक निश्चित प्रतिफल का भी जिक्र किया जाता है, तो प्रतिफल का होना आवश्यक है। ये हमारे कुछ वैधानिक नियम है, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रस्ताव का खंडन, इस पर भी चर्चा चल जाए। देखिए प्रस्ताव का खंडन, जो हमारा प्रस्ताव का खंडन है यह भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 5 में कही गई है। किस में कही गई है? धारा 5। प्रस्ताव का खंडन क्या होता है ऐसे समझिए, ई कोई पर्सन है, बी पर्सन के सम्मुख क्या रखा? प्रस्ताव रखा। इसने इसको स्वीकार कर लिया, स्वीकृति मिल गई, लेकिन बाद में यह कहता है भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी आदमी हूं, या जितने में आप कहें उतने में नहीं हो पाएगा, या मेरे पास ये रीजन है। तो क्या कहलाता है? प्रस्ताव का खंडन। मैंने आपके सम्मुख कोई बात किसी कार्य को करने के लिए कहा, उत्तरदायित्व सौंपा भाई आपको कर देना है, आपने कहा ठीक है हो जाएगा, मैंने कहा कि इस कार्य के बदले में इतना प्रतिफल भी दूंगा, आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा टेंशन ना लीजिए, लेकिन कुछ समय बाद आप कह रहे हैं ना हमारे बस की बात नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, ये क्या कहलाएगा? प्रस्ताव तो एक्सेप्ट किए लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद उसको तोड़ दिए, तो इसे क्या कहा जाएगा? प्रस्ताव का खंडन कहा जाएगा। अब प्रश्न है कि प्रस्ताव का खंडन कैसे किया जाता है, तो इस खंडन की रीतियां, जो प्रस्ताव का हमारा खंडन है इसके कई टाइप है। पहला दिया है प्रस्ताव के खंडन की सूचना देना, प्रस्ताव के खंडन की सूचना देना, सूचना देना। प्रस्ताव के खंडन की सूचना देने का मतलब यह हुआ, मैंने कोई प्रस्ताव आपके सम्मुख रखना, आपने स्वीकार कर लिया, लेकिन बाद में हमें इन्फॉर्मेशन किसी और के माध्यम से या फोन के माध्यम से भिजवा रहे हैं कि भाई कह दीजिएगा उनका काम हो नहीं पाएगा, तो क्या है? प्रस्ताव का खंडन हो गया। अब कैसे खंडन हुआ? इन्फॉर्मेशन देके, सूचना देकर। दूसरा मेथड है निश्चित अवधि के बीत जाने पर, निश्चित अवधि के बीत जाने पर। इसका मतलब क्या है कि ए ने बी के सम्मुख कोई प्रपोजल रखा, उसने स्वीकार कर लिया, लेकिन उसमें कहा, दोनों के बीच में ऐसे बातें हुई कि मेरा काम 10 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, लेकिन टेंशन ना लीजिए 10 दिन के अंदर हम पेमेंट आपको कर देंगे। अब यहां पे अब उस 10 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया, तो भाई जब पेमेंट नहीं किया तो काम कैसे करेगा? नहीं करेगा, अर्थात उनके दिया गया टाइम बीत गया। अब कहेंगे कि भाई मेरा काम क्यों नहीं हुआ, तो अगला कहेगा ना कि आपने पेमेंट क्यों नहीं किया। तो जब एक निश्चित टाइम बीत जाने के
बीत जाता है तो वहां प्रस्ताव का क्या होता है, खंडन हो जाता है, क्योंकि वहां प्रस्तावक ने अपने शर्तों का पालन नहीं किया, इसलिए वहां पर प्रस्ताव का खंडन होता है। अगला है स्वीकारकर्ता द्वारा किसी अनिवार्य शर्त, अनिवार्य पूर्व शर्त का पालन न करने पर, स्वीकारकर्ता द्वारा, कर्ता द्वारा क्या है, स्वीकारकर्ता द्वारा किसी अनिवार्य पूर्व शर्त के पालन करने पर। इसका मतलब क्या, यदि मान लीजिए कोई स्वीकार करता है, ए ने बी के सम्मुख प्रपोजल रखा, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, का एकदम काम हो जाएगा, लेकिन उसको यह लगा कि इससे ज्यादा मेरा इंपॉर्टेंट डील मैंने किसी और से किया है, भाई उसका टाइम से नहीं होगा तो मुझसे नाराज हो जाएगा, उससे मेरा लंबा बिजनेस हो रहा है, अब वहां पे उसके शर्तों का पालन करने के चक्कर में इसके शर्तों को मानना ही बंद कर दिखा दिया, भाई मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे पास टाइम नहीं है। तो जब कोई स्वीकार करता कोई अनिवार्य पूर्व शर्त का पालन करने लगता है, तो ऐसे दशा में जो अब मैंने नया में जिससे प्रपोजल एक्सेप्ट किया है वो क्या होता है, उसका खंडन हो जाता है। अगला है प्रस्तावक की मृत्यु या पागल हो जाने का मतलब क्या होता है, जिसने प्रपोजल किसी के सम्मुख रखा, स्वीकारकर्ता के सम्मुख प्रपोजल रखा, उस समय तो ठीक ठाक था, उसने स्वीकार किया तो भी ठीक ठाक था, लेकिन बाद में पता चलेगा वो चला गया कहाँ, ऊपर, या पागल हो गया, मेंटली रूप से डिस्टर्ब हो गया, ऐसी दशा में उस प्रस्ताव का क्या होता है, खंडन हो जाता है। अगला, प्रति किसी विषय वस्तु के खोने या नष्ट हो जाने पर, किसी विषय वस्तु के खोने या नष्ट हो जाने पर किसी विषय वस्तु को खोने या नष्ट हो जाने का मतलब क्या होता है, जिस टॉपिक के लिए प्रपोजल रखा गया था, अगले ने एक्सेप्ट किया था, मैंने जिस कार्य के लिए उसने कहा था कि भाई ये मेरा सामान है, यहां तक पहुंचना चाहिए और इस टाइम के अंदर दे देना, इसके बदले में मैं आपको इतना दूंगा, उसने स्वीकार भी किया था, संयोग से वो सामान ही गायब हो जाए या नष्ट हो जाए, खराब हो जाए, टूट जाए, ठीक है, या ऐसे समझिए, मान लीजिए कि फल का एक ट्रक है, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को कहता है कि भाई इसको यहां तक भेजवा दीजिए, या किसी व्यक्ति के सम्मुख रखता है कि आप इस डीलर के पास पहुंचा दीजिए, संयोग से मौसम खराब हो गया, फल कच्चा आइटम है और फल उसी के यहाँ खराब हो गया, तो यहाँ पे वो उस विषय वस्तु के खोने या नष्ट हुआ तो नहीं मगर नष्ट हो गया, तो यहाँ पे वो प्रस्ताव का क्या हो जाएगा, खंडन हो जाएगा, क्योंकि सामान जब अच्छा ही नहीं है तो उसके बाद ले जाके क्या करेंगे। अगला है सामान्य या उचित रीति के अभाव में, सामान्य या उचित रीति के अभाव में, कभी कभी ये होता है कि प्रपोजल किसी के सम्मुख रखा गया, उसने एक्सेप्ट किया, लेकिन दोनों के बीच में कोई बहुत अच्छी सहमति नहीं बनी, लिखित रूप से सहमति नहीं बनी, कोई निश्चित मेथड या तरीका नहीं अपनाया गया, या कोई प्रॉब्लम किसी के सम्मुख रखा, उसने एक्सेप्ट किया, लेकिन उसका कोई ठोस सॉल्यूशन नहीं निकला कि भाई कैसे ले जाया जाएगा, कैसे बेचा जाएगा, कैसे खरीदा जाएगा, कैसे होगा, जब कोई मेथड ही नहीं होगा तो वहां पर प्रस्ताव का क्या हो जाएगा, खंडन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आज के टॉपिक में आप क्या पढ़े, प्रस्ताव क्या है, स्वीकृति क्या, प्रस्ताव का खंडन कैसे होता है ये भी पढ़े, प्रस्ताव की शर्तें क्या होती हैं ये भी पढ़े। एक चीज और भी होता है, स्वीकृति का भी खंडन होता है। स्वीकृति का खंडन का मतलब है, कभी कभी ऐसे भी होता है कि जब
ए बी के सम्मुख कोई प्रपोजल लगता है और बी उसको एक्सेप्ट करता है, तो ऐसी दशा में वहां पर स्वीकारकर्ता द्वारा आनाकानी करने पर या प्रपोजल रखने वाले के द्वारा है, कहता है भाई अब जो आप शर्त माने हैं उसको कैंसिल किया जा रहा है, अब मेरे बस की बात नहीं है आपसे ऐसे इस टाइप का डील करना, तो वहां स्वीकृति का भी खंडन होता है। तो खैर यहाँ पे जितना इंपॉर्टेंट था इस टॉपिक में आपको इसमें बता दिया गया, और जो अगला टॉपिक स्टार्ट होगा 5 नंबर वो है कॉन्सिडरेशन अर्थात प्रतिफल। तो प्रस्ताव और स्वीकृति आपका खत्म, अब अगला चैप्टर जो हमारा चलेगा वो है प्रतिफल कॉन्सिडरेशन, मतलब एक प्रपोजल के जब रखा जाता है बी के सम्मुख किसी कार्य को करने के लिए तो उस कार्य के साथ साथ कुछ प्रतिफल भी होता है, तो वही है हमारा अगला चैप्टर। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंडों में जरूर शेयर करिएगा ताकि आप भी पढ़ें और आपके फ्रेंड भी पढ़ें और अच्छे नंबर से पास हों। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए।